Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. With us in the world of divine vastu with Dr. Rewa Kumar. मैं हूं आरजी सुनीता राज और हमेशा की तरह आप सभी के लिए लेकर आए हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, जहां पर रेवा जी आप सभी के साथ शेयर करेंगी अपना 36 इयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ वास्तु। लेट मी टेल यू लिसनर्स कि आप हमें फेसबुक पर हमारे साथ तो कनेक्ट हुए ही हैं, बट यू कैन ऑल्सो ट्यून इन टू 5:40 AM न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट, 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी एंड 13:10 AM इन न्यू जर्सी। तो चलिए रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल रेवा जी, मुझे पता है कि काफी लोग वैक्सीन्स ले रहे हैं, काफी लोग अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छा टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा। सो आई होप हमारे जो भी आई नो अभी सभी को चिंता है, जैसे हम बात कर रहे थे रेवा जी के साथ में पहले, इंडिया में जो हमारे परिवार वाले हैं या इन जनरल सभी के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपनी यू नो वेल विशेस भेजना चाहते हैं सभी के लिए। आई होप सभी की फैमिली में सब कुछ ठीक हो और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी हम रखें अपने दिल और दिमाग में। बिल्कुल सोनिया, आपने बहुत अच्छा कहा सुनीता, आपने इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस समय जो इंडिया जिस दौर से निकल रहा है, हम ही सब भी यहाँ पे इस प्रॉब्लम से निकले, लेकिन इसमें इंडिया जो हमारे कह सकते हैं कि हमारी धर्म भूमि है, हमारी हम सब की आपकी इंडिया के साथ में थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पे भी कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी ज्यादा फैल रही हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो इट्स रियली पेनफुल और वेरी हर्टिंग टाइम ऑल्सो, बहुत दुखदायी समय है सबके लिए, उनके परिवार के लिए, और उससे भी ऊपर की जब आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगी अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को कि हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। मैं जानती हूँ कि हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन फिर भी आप उनको फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिस ट्रॉमा से वो निकल रहे हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन भी अगर आप कहीं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत ही इस समय कठिनाई का समय आ रहा है। एंड ट्राई टू फोकस हाउ वी कैन सॉल्व उनका, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे एक दूसरे के साथ में मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस समय में हाँ जी उनका अपना दिमाग नहीं काम कर रहा या परिवार नहीं कहीं कोई हेल्प कर रहा, तो उस समय बहुत जरूरी है कि आप करिए। आज मैं शो स्टार्ट करते एक पहले एक आज मैंने देखा, हो सकता है हमारे बाकी व्यूअर्स लिसनर्स ने भी देखा, एंड इट इज ट्रू इंसिडेंट कि हॉस्पिटल में एक 85 ईयर्स ओल्ड पर्सन वॉज ऑल्सो एडमिटेड ड्यू टू कोविड, 85-86 उनकी एज थी, और उसी हॉस्पिटल में कल जहां वो एडमिट थे वहां एक यंग 42 इयर्स का आया और उनकी वाइफ साथ में थी और बेड नहीं था, हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि नहीं कुछ कर सकते, वो सीरियस थे, एंड 85 ईयर्स ओल्ड गाय, उन्होंने बुजुर्ग इंसान जी ने जो एक पैके थे भगवान स्वरूप थे, उन्होंने बोला कि मैंने तो अपनी जिंदगी बहुत झेली है, ये बेड मैं खाली करता हूँ, मैं घर जाता हूँ और इस बेड को आप ले लीजिए, और उन्होंने खुद जगह छोड़ के वो बेड उनको दे दिया। और ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि 2 दिन के बाद में ही जो बुजुर्ग इंसान थे वो इस दुनिया से चले गए जी, कि जहां उनको एक स्थान मिला। तो कहते हैं कि मतलब वो जाते जाते बहुत अच्छा काम करके वो ये कह के कि मैंने अपनी जिंदगी पूरी जी है,
लेकिन ये आपकी जिंदगी जीने का समय है। तो यही कहना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप कहीं किसी के काम आ सके, आने की कोशिश कीजिए। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बहुत अच्छी लाइन कही है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि जो दुख की घड़ी है ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, यही सोच करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू कन्वे टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस हार्ड टाइम, हम लोग आपके साथ हैं। कहीं पे भी आप हमारी जरूरत समझे, हमारे साथ जस्ट गिव अस ए कॉल। बहुत दूर देखने में है लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट कि कहाँ पर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, इस दुख के समय में आपका साथ दे सकें। जी, लेकिन जरूर एक बार आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ इंसानियत पर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें, पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ को स्प्रेड करें। और यही पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए हम ये शो लेकर आए हैं लिसनर्स आपके लिए, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। मैं आपको बता दूं, रेवा जी से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, वास्तु रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल है, तो रेवा जी का नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338। हमेशा की तरह हम किसी एक टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ द शो आपके लिए टिप भी लाए हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक जो है, हम जिस पर बात करने वाले हैं, वो है द डिफरेंस बिटवीन फेंग शुई एंड वास्तु। तो रेवा जी, सबसे पहले तो एक आम इंसान को, लाइक अ लेमैन माइट नॉट नो कि फेंग शुई क्या है, वास्तु क्या है, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये दोनों क्या चीजें हैं और क्या इसमें डिफरेंस है। बिल्कुल सुनीता, आपने सही आज का ये टॉपिक लिया है, क्योंकि कई बार लोग इसको कंफ्यूज करके चलते हैं। देखा जाए तो, एंड इट इज ट्रू, वास्तु इज अ मीन, वास्तु इज ए प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब कि हजारों हजारों साल वास्तु ही मेन था, जिसका एक पुराण, वेद पुराणों में से एक नाम आया था और इसके ऊपर में शिल्प कला के ऊपर में स्टडी की गई थी। वास्तु जो प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन अगर मैं कह रही हूँ, यानी कि अगर कोई भी घर पहले बनाया जाता था तो उस समय भी वास्तु कॉन्सेप्ट को लेके ही उस पर काम किया जाता था। प्री मतलब कि बनाने से पहले, और घर बनाने के बाद भी, मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन में। फेंग शुई जो है, दिस इज ए चाइनीज कॉन्सेप्ट। चाइना में इसको वास्तु नहीं कहा जाता, इसको फेंग शुई किया जाता है, लेकिन ये इसके बाद आया। एंड दिस इज नॉट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, दिस इज ओनली फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन। फेंग शुई जो होती है वो हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन में लेते हैं, जैसे कि हमारे को घर का इंटीरियर अगर करना है, अंदर घर के अंदर में कहीं कोई डिफेक्ट है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ फेंग शुई हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो एलिमेंट्स उनके भी सेम है, फेंग शुई के भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फेंग शुई के साथ में हम कहीं पे भी आउटर स्ट्रक्चर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आउटर स्ट्रक्चर को हम कुछ भी पकवा लगा के, कुछ लगा के रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इट्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि शेप ऑफ लैंड वो आप नहीं ठीक कर सकते। अगर आपने किसी रूम की प्लेसमेंट अगर सुनीता गलत है, या स्लोप अगर उसका ठीक नहीं जा रहा, तो उसको अगर हम फेंग शुई के हिसाब से ठीक कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फेंग शुई सिर्फ इंटीरियर, जैसे लाइक मिरर है, क्रिस्टल बॉल्स हैं, इसके साथ में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ जैसे कि आप इमेजेस रख देते हैं, फिश की इमेज रखती, टॉर्टोइस की इमेज रखती, इन चीजों के साथ में हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इंटीरियर को। मतलब कि पॉजिटिव टू जो नेगेटिव एनर्जी, उसको खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर फैलाने के लिए। पर दूसरी तरफ, जैसे मैंने पहले ही बिगनिंग में कहा है, दैट वास्तु इज रिलेटेड विद प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन, कि अगर हमारा आउटर स्ट्रक्चर है, लॉट है, उसकी शेप अगर ठीक नहीं है, उसका अगर स्लोप ठीक नहीं है, उसका कोई कॉर्नर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया या कोई कॉर्नर मिसिंग हो गया, वो हमारा फंक्शन से नहीं, उसको हम वास्तु के हिसाब से ही ठीक करते हैं। क्योंकि वास्तु को, किसी भी डिफेक्ट को ठीक करने के लिए ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प ली जा सकती है, वहां की आप कह सकते हैं कि पिरामिडोलॉजी की हेल्प ली जा सकती है, और प्लस अलोंग विद दैट लॉट्स ऑफ अदर टूल्स विद दैट दोस हेल्प्स हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब जो
इसको कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलते हैं कि कई लोग गूगल पे देख लेते हैं कि हमने तो ये देखा जी वास्तु के अंदर में इस तरीके से क्रिस्टल हैंग कर लीजिए, मिरर हैंग कर दीजिए, कुछ हैंग कर दीजिए, कुछ हम इमेजेस लगाते हैं, तो वो भी आपको बहुत समझदारी से लगानी है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल में पढ़ा और आपने लगा दिया, क्योंकि आपको वो देखना है कि पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि फाइव एलिमेंट्स हम वास्तु में भी देखते हैं, फाइव एलिमेंट्स हम फंक्शन में भी देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं वाटर अर्थ फायर एयर स्पेस, ये हमारा चलता है वास्तु के साथ में। लेकिन जो हमारा एयर और मेटल चलता है वो हमारा चलता है फंक्शन में, जिसमें हम देख सकते हैं वाटर फायर एयर मेटल एंड स्पेस। तो वहां पर अर्थ नहीं होता, वो अर्थ को नहीं, वो मेटल को लेके चलते हैं, वो लोग मेटल को लेके चलते हैं। लेकिन अब हमको देखना है कि क्यों वाटर एलिमेंट में अगर आप बाहर की किसी प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर को अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं, अब वाटर एलिमेंट जैसे कि नॉर्थ अगर हमारा कहीं पे डिफेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे आउटर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें वाटर एलिमेंट की एनर्जी को एनहेंस करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फेंग शुई में कई लोग गलती से क्या कर लेते हैं कि वो मेटल एलिमेंट को वाटर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आप कभी भी देखिए कि मेटल एलिमेंट को अगर वाटर में लेके जाएंगे तो उसका पर्टिकुलर एक डिग्री एक लेवल पे लेके जाएंगे, अदरवाइज क्या होता है कि मेटल पानी में पड़ा पड़ा जंग लग जाता है। उसी तरह से वुड को, अगर वुड को आप फायर की जगह पे लेके चले गए, जैसे हम लोग फायर है, फायर की तरफ में हमारा अकॉर्डिंग टू वास्तु जहां पे फायर जोन है वहां पे वुड को जगह नहीं दी जाती, क्यों, लकड़ी जल जाती है। और उसी तरह से वुड को वाटर के अंदर भी जगह नहीं दी जाती, क्योंकि पानी में जो लकड़ी होती है वो भी खराब हो जाती है, तो वुड की जगह कहाँ आती है, अर्थ एलिमेंट की तरफ आती है। लेकिन फंक्शन में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस किया गया हुआ है। नेक्स्ट, फंक्शन और जो वास्तु में डिफरेंस है, वास्तु में हम लोगों को अकॉर्डिंग टू डिग्रीज, बिकॉज व्हेन द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, उस डिग्रीज के हिसाब से, जिसमें जैसे कि 32 जोन्स अगर हमारे होते हैं, उन 32 जोन्स के बीच में से कुछ जोन्स जो होते हैं वो फीमेल एनर्जी के साथ में दिए गए हैं, कुछ जोन्स मेल एनर्जी के साथ दिए गए हैं, कुछ एनर्जी उसी के मुताबिक बताते हैं कि आपके घर में क्या डिफेक्ट है या उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और फंक्शन में क्या है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि यिन एंड यांग, वहां पर भी फीमेल और मेल एनर्जी वहां पे भी पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंस कर देते हैं, जिसको उस एनर्जी को रेक्टिफाई करने के लिए वो क्रिस्टल्स की हेल्प लेते हैं या मिरर की हेल्प लेते हैं। कलर थेरेपी हम वास्तु में भी हेल्प लेते हैं, कलर थेरेपी की हम सुनीता जी फंक्शन में भी हेल्प लेते हैं, लेकिन फंक्शन जो मेन है दैट इज रिलेटेड विद द पोस्ट कंस्ट्रक्शन, जैसे कि फर्नीचर को प्लेसमेंट्स कहाँ करनी है, कहाँ पे हमें करना है। एक बार मैं और भी अपने व्यूअर्स लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि वास्तु में जैसे कि हम हमेशा कहते हैं जनरल नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि सवेरे वहां की पूरी लाइट आती है, वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, क्योंकि सोलर एनर्जी हर तरह की एनर्जी को हम लोग वहां लेते हैं। लेकिन चाइना में क्या है कि नॉर्थ फेसिंग घर नहीं लेते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि नॉर्थ फेसिंग घर उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसका ये क्योंकि नॉर्थ से जब वहां पे बहुत ज्यादा हैवी विंड्स आती थी, पहले बहुत ज्यादा हैवी विंड्स आती थी, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू अवॉइड नॉर्थ डायरेक्शन। अदरवाइज दे ऑल्सो बिलीव दैट नॉर्थ फेसिंग हाउस इज वेरी गुड। वास्तु और फंक्शन में एक चीज और बहुत कॉमन है, द सेंटर ऑफ हाउस। जैसे कि वास्तु में हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ हाउस हैज नॉट टू बी डिप्रेस्ड। जितना सेंटर ऑफ हाउस हमारा ओपन होगा, खुला होगा, उतना ही हमारे को पॉजिटिविटी मिलेगी। उसी तरह से फंक्शन में भी घर का जो सेंटर होता है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा जाता है। वहां पे बिल्कुल भी कहीं ऐसी चीज नहीं होती कि जो सेंटर एनर्जी को, उसकी ग्रोथ को खत्म करे। तो इसलिए देखा जाए कि अगर हम कहीं पे भी क्रिस्टल्स या मिरर की हेल्प लेना चाहते हैं, जो कि एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, उसको आप घर के किसी भी इंटीरियर में या घर के अंदर के कहीं पे इंटीरियर में हमारे को प्रॉब्लम्स है, जैसे कि विंडोज हमारी कलर डायरेक्शंस में है, या जो विंडोज हमें सही नहीं मिल रही, या कोई हमारा कॉर्नर हैवी हो रहा है, जैसे साउथ वेस्ट अगर हमारा लाइट हो गया जो कि गलत है, उसको हम लोग
क्रिस्टल से हेल्प कर सकते हैं। या अगर हमारा नॉर्थ ब्लॉक है या साउथ हमारा बहुत ओपन है तो उसको हम मिरर से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वास्तु कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वास्तु में हमारे को हर तरह की एनर्जी को शिफ्ट करने में पूरी हेल्प मिलती है, कॉर्नर्स को रेक्टिफाई करने में हेल्प मिलती है, शेप स्लोप को रेक्टिफाई करने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए वास्तु आपको अगर आप कहीं यूज करते हैं तो वो परमानेंट प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए माना जाता है। फैंगशुई है दैट इज ओनली फॉर द इंटीरियर डेकोर, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि उससे हमारे को परमानेंसी है या परमानेंट हेल्प मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं आती, आती है पॉजिटिव एनर्जी, हमारे को इमेजेस से आती है, जैसे कि हम क्रिस्टल्स, मैंने आपको बताया आप फिश को कहाँ रखें, लेकिन इनको कहाँ रखना है, इनको कहाँ लगाना है फेंगशुई में, वो जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल रेवा जी, आपने जो डिफरेंस बताया उससे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, क्योंकि जनरली जो कॉमन इंसान है उनके लिए तो फेंगशुई है या उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, और जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सपर्ट है वो ही ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच रेवा जी। लिसनर्स व्यूअर्स, आपको फिर एक बार याद दिला दें, द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेवा कुमार, आपके लिए लेकर आई हैं अपनी वास्तु एक्सपर्टीज और अपना एक्सपीरियंस। और चाहे आप किसी भी तरह की वास्तु एडवाइस चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वास्तु हो या फिर आप बिजनेस में वास्तु रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, मोटेल्स हो, या फिर आपके घर में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपके रिलेशनशिप में, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आपको वास्तु रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, then please talk to the expert in this field, that is Reva Kumar. The number to reach Reva ji is 510-868-3338. Once again, 510-868-3338. वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर आते हैं हम आपके लिए, और आप जानते हैं रेवा जी इसमें हर बार आपको वास्तु रिलेटेड समझ देने की कोशिश करती है, ताकि जो आप जो भी करें वो समझ कर करें। और आज हम बात कर रहे हैं फेंगशुई और वास्तु के डिफरेंस के बारे में। जी रेवा जी। नेक्स्ट की जो मैं दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट बताती हूँ हमारे को, जैसे कि मैंने इंटीरियर के लिए भी बताया, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी फेंगशुई से भी हमारे को सोलर एनर्जी जो हमारे को सन से मिलती है, लूनर एनर्जी जो हमारे को मून से मिलती है, वो दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। अर्थ एनर्जी बहुत जरूरी है, स्काई एनर्जी को हम लेके चलते हैं जो स्पेस से लेके चलते हैं, थर्मल एनर्जी को लेके जाते हैं जो हमारे को फोर्स देती है, ग्रेविटेशनल फोर्स देती है, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके चलते हैं कि जो हमारे को साउथ ईस्ट से देती है, इसी के साथ साथ में हम लेके हैं विंड एनर्जी, विंड एनर्जी जो हमारे एयर एलिमेंट को एनहेंस करती है, लाइट एनर्जी को लेके देते हैं कि जो हमारी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से लेके जब साउथ वेस्ट की तरफ ट्रेवल करती है, कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी को लेते हैं, तो ये इन सब एनर्जीज का जो इनको बैलेंस करना और उनको बैलेंस करना उसी एलिमेंट के साथ में, उनकी रिलेटेड उनकी प्लैनेटरी पोजीशन के साथ में, इन दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ये एनर्जी हमारे को वास्तु के हिसाब से भी बैलेंस करनी है, और अगर हम फंक्शन में कर रहे हैं तो आप इंटीरियर में, इंटरनल कॉन्सेप्ट के अंदर में, इंटरनल प्लेसमेंट्स में भी आपको इन एनर्जी को बैलेंस करना है। तो देखा जाए तो वास्तु और फंक्शन दोनों ही एक एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई है, कि जो पॉजिटिव एनर्जी है या जो नेगेटिव एनर्जी को कैसे खत्म करें, पॉजिटिव एनर्जी हमें कैसे हेल्प करती है, सोलर एनर्जी हमारे को कैसे लाइफ के बीच में ग्रोथ देती है, एक ड्राइविंग फोर्स देती है, कॉस्मिक एनर्जी आपको किस तरीके से पावर देती है पॉजिटिविटी रहने की, मैग्नेटिक एनर्जी किस तरह से हमारे को एक हिम्मत देती है कि हम दिन भर काम कर सकते हैं, लाइट एनर्जी जो हमारे विजन को क्लियर करती है वो देती है, थर्मल एनर्जी जो हमारे अंदर एक फोर्स लेकर आती है, जो ड्राइविंग फोर्स देती है, जो हमारे को सोचने की ताकत देती है, विंड एनर्जी जो हमारी थॉट्स को और भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है, स्काई एनर्जी जो हमारे को एक तरह की अपने जो थॉट्स है उनका उनको आगे बढ़ने के लिए एक आसमान में उड़ने की हिम्मत देती है। सो दीज ऑल एनर्जीज आर रिलेटेड विद आवर थॉट्स, विद आवर पॉजिटिविटी, सो दैट वी हैव टू सी कि हम उस एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करके अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते।
सकते हैं, कैसे ये एनर्जी हमारी पर्सनल रिलेशन में हेल्प कर सकती है, कैसे हम अच्छा से अच्छा मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं या हेल्थ इश्यू से दूर हो सकते हैं, किस तरह से हमारे बच्चों के साथ में हमारी लाइफ अच्छी जा सकती है, हमारे बच्चे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं, जॉब करियर कैसे बढ़ सकता है। सो ओनली दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दिस एनर्जीज, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए, इनकी पॉजिटिविटी को करने के लिए, जो कि यूनिवर्स की देन है, देखा जाए तो ये हमारे यूनिवर्स की देन है, लेकिन सिर्फ इसमें हमारे को फोकस करना है, इनको सही समझना है कि इन एनर्जीज की कहां कहां जगह है जहां पे ये सब एनर्जी हमारे घर में ट्रेवल करें। तो जिस घर में ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होगा वास्तु से या फेंग शुई की हेल्प से, अगर हम इन सब एनर्जीज को अपने घर में पॉजिटिव वे से लेकर आते हैं, तो मैं नहीं जानती कि सुनीता हमारे को जरा लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोक सकता है। क्योंकि एक सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है, आपको सक्सेस होने के लिए जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना, खूब अच्छी तरह से इज्जत रिस्पेक्ट से पैसा कमाना, फेम मिलना, एक अच्छी वाइफ अच्छा हस्बैंड मिलना, आपको अच्छे बच्चे होना, सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ रहना, एक अच्छे समाज में एक अच्छे इंसान की तरह रहना और लाइफ में आगे बढ़ना, तो ये सक्सेसफुल के लिए ये सबसे जरूरी है। तो इन सबको आगे कहते ना कि कई बार होता है कि हम लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन उस पैसे का सुख नहीं मिलता, इट मीन्स कि दैट इज ऑल्सो डिफेक्ट, कहीं ना कहीं तो उस एनर्जी में कमी है जिस हम पैसे को नहीं सुख रहे। आप इतना बड़ा कई मिलियंस का घर बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, तो लेकिन आप मोस्टली ट्रेवल कर रहे हैं, आपको उस घर के एक कॉर्नर में भी बैठने का कई बार समय नहीं मिलता, तो फिर मैंने सोची कि वो पॉजिटिविटी है। तो इन सब चीजों को अगर आप नजर में रखें तो हमें कैसे उसकी पॉजिटिविटी को फील करना है, लाइफ में कैसे जीना, जितने ही हम जैसे अभी देखे अभी बात ही कर रहे थे कि जो कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है, तो इंसान क्या करता है कि जो जीवन भगवान ने दिया है, जो सच्चे काम के लिए दिया, क्यों नहीं हम उसका पूरा सुख लें और दूसरों को भी सुख दें, यही मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी है जी। और हार्मनी बनाकर रखें इस प्लैनेट पर। और अभी समय तो बहुत कम बचा है रेवा जी, 2-3 मिनट ही बचे हैं, लेकिन फिर भी हम भूले नहीं है कि टिप ऑफ द डे जो हम लेकर आते हैं लिसनर्स आपके लिए व्यूअर्स, तो आज हमारी जो टिप है वो है हाउ टू हार्मोनाइज द रिलेशंस विद योर नेबर्स। यस, दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके रिश्तेदार बहुत दूर होते हैं, आपके नेबर्स ही आपके सबके नजदीक होते हैं, और इस समय तो बहुत जरूरत है अपने नेबर्स के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना, क्योंकि वही आपके सबसे आपके नजदीक है। बहुत जगह पाया जाता है कि नेबर्स के साथ में इशू है, मैं कई बार विजिट करती हूँ तो क्लाइंट्स कहते हैं रेवा जी आज तो वो नेबर्स हमें ऐसे तंग कर रहे हैं, वो हमें ऐसे तंग कर रहे हैं, या हम उनके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हो रहा है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलिए, क्योंकि नेबर्स ही सबसे नजदीक होते हैं और नेबर्स के साथ में हार्मनी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही आपके आप कह सकते हैं कि आपके एक दूसरे की स्पाइन कर रहे हैं, नजर रखते हैं आपके दुख के समय के लिए। यस ऑफ कोर्स, दुख के समय के लिए जहां पर आप देखते हैं कि आपको नेबर्स के साथ में इशू है, जैसे कि कई बार जेलसी भी हो जाती है, कई बार एक दूसरे को पसंद नहीं करना होना या कुछ किसी इश्यूज को लेके बात हो जाना, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ। पहले तो ये देखूंगी कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि अगर कहीं पे भी कॉमन वॉल होती है, मतलब कि जैसे कॉर्नर्स होते हैं उनकी वॉल कॉमन हो जाती है, एक वॉल होती है, उस वॉल और उसमें कहीं पे डिफरेंट स्पेस नहीं होती, तो ये रीजन तो होता ही होता है। सेकेंडरी, अगर उस कॉमन वॉल में एक साइड पे बाथरूम आ रहा है और दूसरी साइड पे जो कॉमन वॉल है उनका कहीं पे किचन की अगर जगह आ रही है, तो वहां पर नेबर्स के साथ में इश्यूज रहेंगे, आपस में हार्मनी नहीं रहती है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको दोनों तरफ जहां पर वाटर एलिमेंट है, जहां पे टॉयलेट है, बाथरूम है, आप पर्टिकुलर उस वॉल को लाइट बेज कलर में पेंट कर दीजिए, और जिनके यहाँ पर किचन की वॉल आ रही है वहां पर आप लाइट येलो कलर का हल्का, देखिए वहां मैं बेज कलर दे रही हूँ कि जो येलो की ही फैमिली है, और किचन की तरफ में मैं लाइट येलो दे रही हूँ जो ऑल्सो येलो की फैमिली है। अब वो दोनों मतलब एक ही फैमिली के मैं दो कलर दे रही हूँ, मींस कि उन दोनों को उसी रंग में मिक्स होने के लिए, लेकिन रेड और ब्लैक को अवॉइड कीजिए। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि आपका साथ में नेबर्स हैं,
और बीच में थोड़ी स्पेस है, लेकिन फिर भी उसके बाद में आप दोनों की आपकी बावजूद नहीं एक दूसरे की बनती, तो उसके लिए आपको क्या है कि आपने फेंसिंग तो करा ही हुआ है, लेकिन उस फेंसिंग को आप अपने अंदर की साइड में वहां पर व्हाइट कलर का या सी ग्रीन कलर की उस पेंटिंग को, फेंसिंग को पेंट कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि वहां सी ग्रीन की पेंट नहीं किया जा सकता, तो एटलीस्ट बिल्कुल फेंसिंग के बिल्कुल बराबर में आप कोई भी ग्रीन कलर के छोटे छोटे प्लांट्स बिल्कुल एक ही तरह पे एक ही लाइन में लगा दीजिए। वो आपके रिलेशन के बीच में एक और स्मूथनेस, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके एक दूसरे के साथ में बात करने की बहुत पावर को लेकर आएंगे। वेरी सिंपल रेमेडी एंड वेरी हेल्पफुल। वेरी सिंपल रेमेडी। लिसनर्स व्यूअर्स, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु डॉट कॉम ये वेबसाइट है जहां पर आप रेवा जी के बारे में, वास्तु के बारे में कॉमन इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, रेवा जी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसके बारे में भी जान सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू कंसल्ट और कॉन्टैक्ट रेवा जी, हर नंबर इज 5108683338। नेक्स्ट थर्सडे को सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हाँ, आप सबके लिए बहुत बहुत यही कहेगी कि आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। वंस अगेन जय माता दी। जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए। थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। विजिट divinevastu.net। डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट।